अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ऐसा है कि रात मैं लेट सोता हूँ, तो इसकी वजह से मैं सुबह लेट उठता हूँ। तकरीबन आज 11 बजे उठा हूँ, नाश्ता वगैरह किया है, चाय वगैरह पी है, तो बैठे न्यूज चल रही थी, न्यूज वगैरह सुनी है मैंने। तो फिर मैं अब आ गया हूँ अपने रूम में, तो पीछे कंप्यूटर चल रहा है, तो यूट्यूब चला रहा था, तो यूट्यूब में कर रहा था अपनी वीडियोस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश। तो देखते हैं ये कोशिश कितनी ज्यादा फायदेमंद रहती है। तो फिलहाल अभी बच चुके हैं, तकरीबन 1 बजने वाला है, तो नीचे से आवाज आई है कि भैया आओ कद्दूकश लेके आओ बाजार से। तो अभी मैं बाजार जा रहा हूँ, तो वो मुझे चाहिए कद्दूकश, कद्दूकश तो वो मुझे चाहिए। तो अभी मैं बता जा रहा हूँ, तो आके फिर इंशाल्लाह अगली जो सूरत हाल है वो आपको बताते हैं कि क्या करना है हमने कद्दूकश। तो ये फूल आप देख रहे हैं, तो ये इस तरह का हो गया है। तो एक दिन के बाद ये इस तरह का हो गया था, तो बाकी सारा कोई फूल नया नहीं निकला, तो ये भी फूल इस तरह का हो गया, ये एक दिन ही निकला है, तो पता नहीं क्यों। अभी मैं जाने लगा था कद्दूकश करने, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि इसका जो एग्जॉस्ट था वो मैंने दोबारा से चेंज कर दिया है, और ये वाला एग्जॉस्ट लगा दिया मैंने, तो वो वाला काफी ज्यादा लाउड था एग्जॉस्ट, तो अभी ये लगा दिया है, तो उससे पिक ज्यादा थी, इससे भी आज दोबारा चेक करेंगे, इससे भी पिक अच्छी होती है बाइक की। तो पहले मैं बाजार से ले आई, तो अभी चलते हैं। एक ये वाला कद्दूकश है, दूसरा नहीं है जो मैं लेने आया, एक ये जो कद्दूकश मैं लेने आया था वो तो यहाँ से मिला ही नहीं है, तो अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ, अपना जाके पुराने कद्दूकश से मैं करता हूँ काम। बाजार से तो मैं मुझे मिला नहीं है, तो घर पड़ा था ये वाला, हमारा बचपन से मैं इसे देख रहा हूँ घर में पड़ा है, तो इसे करने लगा हूँ। तो ये इतना तेज नहीं है, तीखा नहीं है इतना, तो जो बाजार में इसलिए गया था ताकि कोई नया ले गए जो तीखा हो। तो अब इसके साथ करते हैं, तो काफी ज्यादा जोर लगने वाला है, इसके साथ करते हैं। तो वेलकम है आपका मेरे किचन में। आज मैं करने लगा हूँ ये नारियल है सूखा, जिसे कोकोनट भी कहते हैं, तो इसे कद्दूकश पहले मैं इसे करके देखो ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, जैसा कि टोमन जरी में करते हैं। सारा गंदा आ जा रहा है मुझे, करके देखते हैं। तो भाई कद्दूकश करते हैं जी अभी। आपको पता नहीं नजर आएगा कि नहीं आएगा, तो कद्दूकश इतना सा करती है इसने। मेरे ख्याल से आज मेरी बस हो जानी है काफी ज्यादा एक्सरसाइज हो जानी, तो मैंने इतना सारा किया है, तो आपको दिखा दूं मैं कितना तो ये सुनते हाल है, आप खुद ही अंदाजा लगा लिया। शुक्र है जी खत्म हो गई, तो तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया, आधे से पौना घंटा, तो इतना सा मैंने कद्दूकश छोड़ लिया है। तो आज बनाने लगे हैं पंजीरी, अगर हो सका तो बेसन वाला हलवा भी आज बनाएंगे, तो आपको रेसिपी बता देंगे कैसे बनती है पंजीरी और बेसन वाला हलवा। तो अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और ऐसे अपने दोस्तों के साथ करें शेयर। तो अभी तकरीबन 2 बज चुके हैं, तो मैं अपने कमरे पे जाने लगा हूँ, वहां से उठाते हैं कपड़े और नहा धो के कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर खाते हैं इंशाल्लाह दोपहर का खाना। मैंने नहा के जी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, अभी खाते हैं जी दोपहर का खाना, तकरीबन 2:30 बज चुके हैं। फिलहाल मेरे ऐसे ही बस मैं कर लेता हूँ सीधे। तो ये जी आलू वगैरह काट के रखे हुए हैं, तो पता नहीं कहाँ डालने हैं, तो यहाँ पे पकने हैं मूंगरे, तो वो अभी काटे जा रहे हैं। यहाँ पे पका है जी आलू अंडे, ज्यादा प्यारा लग रहा है वैसे, मैं खाने लगा हूँ जी लगा खाना। अभी बच चुके हैं तकरीबन 3, तो अभी मैं ब्लॉग वगैरह एडिट कर रहा था, तो मैं साथ साथ ही ब्लॉग एडिट करता रहता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि कितनी ड्यूरेशन है, कि कितना ड्यूरेशन, कितनी टाइमिंग का ब्लॉग जो है बन चुका है, और कितना मुझे और बनाना है, तो उसके लिए मैं मुझे अंदाजा रहता है। फिर मैं ऐसा नहीं होता कि मैं कह दूँ कि ब्लॉग मेरा मुकम्मल हो गया है, तो क्योंकि छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड करने होते हैं, तो उससे अंदाजा नहीं हो पाता कि कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो मैं साथ साथ एडिट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना रह गया, तो कितनी टाइमिंग का हो गया, तो उस हिसाब से हेलो। तो अभी बच चुके हैं तकरीबन 4:30, तो मैं आ गया था बाइक राइड पे, तो आज एग्जॉस्ट नया डाला है, वो भी उसकी आवाज़ भी चेक करनी थी, तो आपने भी सुन ली होगी। तो ये जो एग्जॉस्ट मैंने अभी डाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मध्यम एग्जॉस्ट है, मीठा एग्जॉस्ट है, तो इसमें कानों को फाड़ता नहीं है ये एग्जॉस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक किस्म का साउंड है, तो आपको पता नहीं आवाज़ आ रही है इस वक्त नहीं आ रही, तो आप बताइए नीचे कमेंट करके कि ये एग्जॉस्ट कैसा है। तो अभी मेरी बाइक में पेट्रोल है, तो आज पेट्रोल नहीं भरवाएंगे। तो साहब भाई अभी मेरे साथ ही बैठे हुए पीछे,
तो आज वो अपनी बाइक लेकर आई, तो उन्हें वो कह रहे थे कि आज दिल नहीं कर रहा बाइक राइड करने का, तो मैंने कहा चलो आज आप मेरे साथ आज पीछे बैठ के इंजॉय करते हैं। क्या नाम रखें इसका, इसका नाम बताएं आप, सजेस्ट करें कि इस क्या नाम रखें अपनी इस बाइक का। तो ये वैसे तो इसे नारंगी कह सकते हैं, नारंगी, मेरी नारंगी। आप बताइए क्या क्या नाम रखें इस बाइक का। क्या जो आरपीएम मीटर आपको पहले भी कई मरतबा मैंने खैर बताया, तो ये ख़राब हो चुका है। तो ये थोड़ा सी क्वालिटी इशू है बाइक में, कि अभी तकरीबन 7,000 चली है बाइक, तकरीबन मेरी 8,000 चल गई है तकरीबन। हाँ, तो इसका जो मीटर वगैरह है वो ख़राब हो चुका है, तो ये इशू है। और अभी इंजन तो फ़िलहाल ठीक चल रहा है, तो जब कभी ख़राब होगा तो आपको भी वो भी बताएंगे कि क्या इशू है। तो अभी फ़िलहाल बाकी सब ठीक है, फिट फाट टैट यस। तो आजकल ये ट्राली वगैरह का सीज़न शुरू हो गया, तो ख़ास तौर पे ये ट्राली वाले हजरातों ने ख्याल करना चाहिए कि पीछे कोई चमकदार जो स्टिकर होता है वो लगवा लें, या लाइट्स वगैरह लगवा करके, क्योंकि ये हादसा का बाइस बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत खतरनाक होता है। रात के वक्त नहीं नज़र आता कि सामने कोई जा रही है ट्राली वगैरह, तो कोई ट्रक वगैरह बगैर लाइट्स के, बगैर बिना किसी वो होता है ना चमकने वाला स्टिकर उसके। दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हुई है यहाँ पे, एक साइड पे इन्होंने पानी छिड़क दिया है और दूसरी साइड पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो अरे भाई किधर से निकले हम, इस एग्जॉस्ट के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिकअप आएगी। मोबाइल नज़र नहीं आता, तेरी वीडियो बन रही है इस टाइम, तेरी आप बन गई वीडियो इस टाइम। काफी देर पहले मैं लिया, 180 रुपए नंबर मेनू आया। तू तो 50 लिखे है, एक पूरा पैकेट है, तू 50 लिखे है। ये इन्होंने लिखे यहाँ पे 50 रुपए, वो कह रहे कितने का देना है? 200। हाँ 200 का हिसाब लगा ले इसका, ये पूरा एक पैकेट है, पूरा एक पैकेट है, पूरा एक पैकेट है जो कि 50 रुपए का इन्होंने लिखा हुआ। तो आप कह रहे हैं मैंने एक देना 50 रुपए का, आप बताइए क्या सही लिखा है इन्होंने? उन्होंने लिखू है 200। तो अभी इन्होंने ठीक कर के दोबारा 200 कर दिया, तो तकरीबन बज चुके हैं, 6 बज चुके हैं तकरीबन, तो राइड करके मैं वापस आ गया हूँ। तो अभी बनाने लगे हैं जी पंजीरी, तो आपको रेसिपी बताता हूँ क्या क्या उसमें डालना है हमने, तो कैसे कैसे बनानी है। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल करने इसमें। ये खोपरा तो आपको पता ही, मैंने सारा कद्दूकश किया था बैठ के। तो ये अखरोट है और बादाम ये मिक्स किए हुए हैं, ये किशमिश है, तो ये मग्ज़ हैं, तो ये तिल है वाइट तिल, ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें खास तौर पर इस्तेमाल होंगे। अभी हम डालेंगे सबसे पहले देसी घी, हमारे घर का ये घी है ये देसी, तो अभी ये डालेंगे इसके अंदर। तो इसके बाद अभी हम ये इलायची है सब्ज इलायची, तो हमने तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। जब ये इलायची करकर करेगी तब तक इसे पकाना है हमने। तो ये किलो सूजी है ये डालने लगा हुआ है अब इसमें। तो अभी मैंने सूजी डाल दी है, तो इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है। सूजी जो है भुज चुकी है अच्छी तरह से, तो अभी हमने मग़ज़ डाल दिया है, ये डालने लगे तो इनका टाइम आ गया। ये डाल देते हैं खोपड़ा डाल दे, ये बड़ी आगे खोपेगी। अब इसे अच्छी तरह से फिर दोबारा हमने मिक्स कर लेना है। अभी बनने लगी चीनी की चास, तो हमने चीनी और दूध का एक कप वो डाल दिया है, तो अभी इसे चूल्हे पे रख दिया है। जब चास बन जाएगी तो इसमें मिक्स कर देंगे और पंजीरी तैयार होगी। ये तैयार हो गया, ऐसे हो जाती है पंजीरी, तो आप देख लें। तो अभी आपको जायका बताता हूँ खा के कैसा है। वैसे तो मैं पंजीरी थोड़ी सी खाता हूँ, मैं इतनी ज़्यादा खाता नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। तो अभी जायका इसका चेक करते हैं कैसी बनी है ये।
देसी घी डाला गया इसमें, काफी ज्यादा मजेदार बन गई है। सर्दियों की खास सौगात है, सर्दियों में ये लाजमी बना के खाया करें, अच्छी रहती है। अगर आपको ये मेरी आज वाली वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।